सो गुड मॉर्निंग, सॉरी इट्स आफ्टरनून नाउ, क्योंकि एक बज चुका है पूरा और मैं अभी सो के उठ रही हूँ. मैं आपको दिखाती हूँ. तो आज का दिन तो मतलब वीक ऑफ का दिन इज़ लाइक कि बस सोए रहना है, कोई जगाओ मत बस, और कोई जगाने वाला भी नहीं है मुझे. और पर ये ना, ये रज़ाई कंबल, ये बिल्कुल भी ऐसा लगता है कि बिल्कुल ना छोड़े इन्हें. जब मैं शिमला में रहती थी, अपने होम टाउन में थी, तो मुझे ना ठंड बिल्कुल भी पसंद नहीं थी. तो मैं सोचती थी कि कभी ठंड आए ना, मुझे अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि मतलब लोगों को ना स्नोफॉल बहुत ज़्यादा पसंद है, सभी सभी लाइक करते हैं, बट टू बी ऑनेस्ट मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है. और जब स्नोफॉल होता था ना, मुझे ना ऐसे जैसे सफोकेशन सी फील होती थी. और लाइक रोना सा आता था. इवन अगर तुम्हें किसी और के घर पे हो, किसी रिलेटिव के घर पे फंसी हुई हो, तब तो मुझे बहुत रोना आता था. क्या क्या बोला तूने? नहीं, पहले क्या बोला? चल चल, चलो जाके इलाज कराओ। और प्लीज़, और हाँ एक चीज़ तो मैं आपको बताने भूल गई, ये जो बाल है ना, प्लीज़ इनको इग्नोर करना, ये बहुत ही फनी लग रहा है. एक्चुअली मैंने कल रात को ऑयलिंग करी थी और मैंने कोकोनट ऑयल यूज़ करा है, तो ये ना पूरे ऐसे फ्रीज हो चुके हैं. और क्या होता ना कि जब मेरा वीक ऑफ होता है, तो मैं पहले ही दिन अपने घर वालों को बता देती हूँ कि कल मेरा वीक ऑफ है, तो मैं लेट उठूँगी और मैं फ़ोन साइलेंट करके सो जाऊँगी, ठीक है. बट उनको पता नहीं क्या हो जाता है, वो भूल जाता है, उनके माइंड से पूरी तरह से स्किप हो जाता है. और वो लोग ना मुझे सुबह उठ के धड़ा धड़ फ़ोन करना शुरू कर देते हैं. और फ़ोन तो करते हैं, और ऊपर से जब मैं फ़ोन नहीं उठाती हूँ, ऑब्वियसली मेरा फ़ोन साइलेंट है, मैं क्यों उठाऊँगी फ़ोन? साइलेंट करके सो रही हूँ ताकि मुझे कोई डिस्टर्बेंस ना हो. वो फ़ोन करना शुरू करते हैं, और जब मैं फ़ोन नहीं उठाती हूँ, तो फिर उनके माइंड में ना अजीब अजीब से थॉट्स आना शुरू हो जाते हैं. कहाँ होगी, पता नहीं क्या कर रही होगी, बीमार तो नहीं होगी, कुछ हो तो नहीं गया, क्यों नहीं उठा रही है फ़ोन. मतलब फिर उनके पास सेकंड ऑप्शन बचता है प्रियादी, फिर वो प्रियादी को फ़ोन करते हैं कभी कभी मम्मा स्पेशली कि कहाँ है वो. बट आज नहीं किया. आज भी क्या हुआ, जब मैं सोकर उठी तो मम्मा के ना 5 मिस्ड कॉल्स थे. पहले जब मैं उठी तो 4 मिस्ड कॉल्स थे. तो फिर मैं ऐसी हल्की हल्की आंखों से देख रही थी, मैं बात करने की हालत में नहीं थी, क्योंकि जब सोकर उठता है बंदा तो बात नहीं हो पाती है. तो फिर मैंने कहा थोड़ी देर के बाद फ़ोन करती हूँ वापस, थोड़ा और सो लेती हूँ. जब मैं थोड़ी देर के बाद उठी, तो फिर से मम्मा का 1 मिस्ड कॉल और था. फिर मुझे लगा कि नहीं यार, अब तो मुझे कॉल करना पड़ेगा, ये सच में भूल चुके हैं. मैंने कल बताया था वीक ऑफ के बारे में. सो के उठ के क्या होता है ना कि मैं चाहे आफ्टरनून में उठूँ, इवनिंग में उठूँ, मॉर्निंग में, व्हेनेवर, मुझे खाने में ना रोटी पराठा टाइप यही चाहिए होता है. मैं राइस नहीं खा सकती कभी भी सो के उठ के. तो अभी मेरे को खुद ही पराठा बनाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को पराठे खाने का बहुत मन कर रहा है. और विंटर्स है तो चाय की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है. और प्लीज़ यार, ये बाल ना बहुत फनी लग रहे हैं, तो इन्हें प्लीज़ इग्नोर करो कम्प्लीटली. तो अभी उठते हैं, खाना बनाते हैं, और आज के ब्लॉग में आपको मैं ही देखने को मिलूंगी, मुझे झेलना पड़ेगा कम्प्लीटली. लेट्स गो. ये जब मैं सो के उठी थी ना, तो थोड़ी बहुत सनलाइट्स आ रही थी रूम में, तो मुझे लगा था कि मौसम साफ है, तो टेरेस पे चलते हैं, क्योंकि मैंने कल रात को कपड़े धोए थे, मुझे देखना है कितने सूखे हैं. जीन तो सूख चुकी है, तो कल इतना मौसम खराब था, लगा नहीं था कि सूख जाएगी. चलती हूँ यार, पता है कब कहा था कि मैं खाना बनाऊंगी, 1 घंटा हो गया तब से लेके बस बिस्तर पे फिर से पड़ गई. फ्रिज में कोई प्रॉब्लम आ गई, बस अब ये देखना बाकी रह गया था. कूलिंग तो कर रहा है बट लाइट नहीं ऑन हो रही है. सो दिस इज माय ट्रायंगल पराठा.
लिया है और ये है मेरा खाना। मुझे ना पराठा ऐसे एक एक बाइट करके तोड़ कर खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे चाहिए कि उसमें मैं अचार अच्छे से लगाऊं और उसको रोल करके फिर चाय के साथ डिप करके खाऊं और मैं ऐसे ही खाती हूँ। बोल हो चुका नाओ साफ सफाई हो चुकी है, झाड़ू वगैरह मैंने मार लिया है और अभी ना मुझे कुछ सामान ऑर्डर करना था किचन के लिए, लाइक प्याज टमाटर सब्जी वगैरह। तो मेरी आईडी में क्या दिक्कत आ रही थी कि जब मैं ब्लिंकिट से ऑर्डर कर रही हूँ तो मेरा जो लोकेशन है वो प्रीवियस लोकेशन उठा रहा है जहाँ मैं पहले रहती थी। मैंने मैन्युअली भी ऐड किया था यहाँ का एड्रेस और मैंने करंट लोकेशन भी डाला था, बट बहुत बार ऐसा हो चुका कि वहाँ पर मेरा सामान डिलीवर हो जाता है और फिर बड़ी मुश्किल से यहाँ पर मंगवाना पड़ता है। मैंने प्रिया दी को कहा कि आप ही ऑर्डर कर लो खुद से, तो प्रिया दी ने कुछ एक सामान ऑर्डर किया है और मुझे नहाने भी जाना था, बट तब तक मैं जा नहीं पाऊंगी, कहीं डिलीवरी ना आ जाए तब तक, तो वेट करते हैं। नो गॉड प्लीज नो नो नो, क्योंकि मैं फ्री बैठी हुई हूँ। अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभाल। वैसे तो मैंने ये नेल्स नेल पेंट्स ये सारी चीज़ें ना काफ़ी टाइम से अवॉइड कर रखी है, मन ही नहीं करता कुछ करने का, बट आज मैं फ्री बैठी हूँ, कुछ भी नहीं है यार करने के लिए, यू नो खाली दिमाग शैतान का घर वाली बात, तो लेट्स डू इट। और जब मन नहीं करेगा तो कर लेंगे, क्या दिक्कत है। ओह माय गॉड, वाओ। तो ब्लैंकेट से मेरा सारा सामान आ गया था और अब मुझे बनाना है डिनर, क्योंकि डिनर बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है आजकल, और प्रिया दी ब्रेकफास्ट बनाते हैं क्योंकि सुबह मैं थोड़ा सा लेट उठती हूँ, मेरा ऑफिस 10 बजे से रहता है, उनका 9:30 से रहता है। तो वेजिटेबल्स और बाकी चीज़ें मैंने कट कर ली है, अब बनाना शुरू करते हैं। करा चुकी हूँ, थोड़ा सा लोशन अप्लाई किया गया है, मेरी स्किन इतनी ज़्यादा ड्राई है और विंटर हो चाहे समर हो मेरे होंठ ना यूं पड़ जाते हैं तुरंत। और आज के व्लॉग को मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ क्योंकि व्लॉग ज़्यादा लंबा हो जाएगा फिर और एडिट करने में मुझे प्रॉब्लम आएगा। तो आपको आज का व्लॉग कैसा लगा? वैसे तो आप ने आज के ब्लॉग में मुझे ही टॉलरेट किया है। और एक और चीज़ मैं बोलती नहीं हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम ब्लॉग में कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बट यार अगर आप सब्सक्राइब कर लोगे तो आपका क्या जाएगा, ठीक है। बहुत सारे यूट्यूबर्स होते हैं जो उस वीडियो के स्टार्टिंग में वीडियो के एंड में 2-2 times कहते हैं कि प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, बट मैंने इस चीज़ पर कभी फोकस नहीं किया, बट आप लोग नहीं सब्सक्राइब कर रहे इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है अब। प्लीज़ सब्सक्राइब करो, शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दो। थैंक यू, और अगले व्लॉग में मिलते हैं। टेक केयर, बाय।